Do you want to be rich? Do you want to be happy in life? Or you want a success in life? Or be a successful person in life? There are a lot of questions like this in life that we keep on questioning to ourselves and wondering in this world. The answer to all of these questions is simply and surely yes. But one question will arise in your mind, that what is the way? मतलब ऐसा कौन सा तरीका है जिसको हम फॉलो करने प्रॉपरली तो ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली अचीव करते हैं। अगर हम बात करें उस तरीके की तो डेफिनेटली हिडन है हमारे अंदर ही। और अगर मैं बात करूँ कि कैसे उस हिडन तरीके को बाहर लाना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, तो वो हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अगर मैं एक बुक की बात करूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक में बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने थॉट्स को, जो कि हमारे अंदर ही जो हिडन पावर्स होती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं थॉट से। और ये बुक लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। एंड टॉकिंग अबाउट दिस बुक इज एक्चुअली अ लाइफ चेंजर फॉर मी। मतलब इसने पूरा थॉट प्रोसेसिंग और जो पूरा सोचने का तरीका होता है वो चेंज किया है मेरा। और उसके बाद साइंटिफिक बेसिस की बात अगर मैं करूँ तो इसमें जैसे कि एक चीज़ बताई गई है कि जो हमारा माइंड होता है उसमें दो मतलब पर्सपेक्टिव्स होते हैं, लाइक सबकॉन्शियस माइंड एंड दूसरा होता है कॉन्शियस माइंड। और तो ये रही वो बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो इस बुक में डेफिनेटली सब कुछ बताया गया है कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी बताए गए हैं अलग अलग ग्रेट पर्सन्स के कि किस तरीके से उन्होंने यूज़ किए। और होली बाइबल के बारे में बताया गया है कि उसके कुछ कुछ फ्रेजेस भी लिए गए हैं यहाँ पर, किस तरीके से हम मतलब कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले गए हैं कहीं कहीं पर इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो रहे थे, एक्चुअली ये प्रोफेसर थे तो वहाँ पर ये लेक्चर्स भी देते थे, तो यहाँ पर जो उनके स्टूडेंट्स थे तो उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं किस तरीके से उनका जो नॉलेज था द पावर ऑफ आर सबकॉन्शियस माइंड ये वाला, तो उसको उन लोगों ने यूज़ करके फाइनली जो अचीव किया उसके एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं। तो कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी दी हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लेवल की दी हुई हैं। और एक अच्छी चीज़ मेरे को और ये लगती है कि लाइफ के हर फेज को मतलब जीना सिखाता है कि किस तरीके से हम हर तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अलग अलग थॉट्स को अपने अंदर ले सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ और बताई गई है कि यहाँ पर जो हम बच्चा बड़ा होता है तो किस तरीके से उसके अंदर थॉट्स को इंडल्ज किया जाता है, और वो थॉट्स उसको या तो एक अलग तरीके का पर्सन बना सकते हैं या तो एक नॉर्मल सा बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से उसके अंदर थॉट डाले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका ये पूरा खेल होता है। डेफिनेटली आप जब बुक पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा। और लास्ट में मैं ये कहूँगा एक चीज़ और जैसे बुक में बताई गई है कि अगर हम सीड्स को सो करते हैं डेफिनेटली हम वही हार्वेस्ट करते हैं, उसी टाइप की चीज़ें हम हार्वेस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी एक्ट करते हैं कि जिस तरीके के थॉट्स हम अपने अंदर पुट इन करेंगे उसी तरह की एक्टिविटीज़, उसी तरह के हमारे सामने जो भी हमारे चीज़ें आएंगी उसी टाइप की आएंगी। तो ज़रूर इस बुक को पढ़िए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक बार पूरे इस बुक को पढ़ चुका हूँ लास्ट ईयर, और अभी मैंने दोबारा से इस बुक को पढ़ना शुरू किया है। क्योंकि इस बुक में कहीं ना कहीं ये है कि आप जितने बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली अलग अलग टाइप से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं किस तरीके से जिस भी फेज़ में आप हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन की बात कर लें, आप नीट की बात कर लें, आप एक नॉर्मल हाउस में रह रहे हैं, आप मतलब एक किसी भी टाइप की जॉब कर रहे हैं, तो हर तरीके से आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी अपब्रिंगिंग के लिए डेफिनेटली बुक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और फिर आप जब एक बार इसको पढ़ेंगे तो आप खुद इतना ज़्यादा इस बुक से अटैच हो जाएंगे कि आपको बस ये लगेगा कि आप पूरी बुक को पढ़ सकें। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मैनेज हो पा रहा है तब भी आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंक्स में दिए हुए हैं यहाँ पर चीज़ें, मतलब पैरा छोटे छोटे पैराज में दिए हुए हैं, हेडिंग्स एंड देन पैरा, हेडिंग्स एंड देन पैरा। तो इसको आप मतलब ब्रेक कर करके भी पढ़ते हैं तो वो आपकी कॉन्टीन्यूटी वाली चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। अदरवाइज जैसे मैंने शर्लॉक होम्स पढ़ी थी, वहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मतलब जैसे कि वो फिक्शन बुक है, ये नॉन फिक्शन बुक है, तो इस ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप नॉन फिक्शन बुक ज़्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो ये। एंड लास्ट में अगर कोई चीज़ अगर छूट गई है मेरे से तो डेफिनेटली आप कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को anusingh18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदर देन दिस, यानी कि नीट से रिलेटेड या फिर MBBS से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को कांटेक्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।